चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में हमने अभी अभी समझा कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है प्लांट्स अपना खाना कैसे ऑप्टेन करते हैं अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में कि जो जानवर हैं जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स हैंस दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड एनिमल्स जो हैं वो सारे हाइड्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज़म्स पे अपने खाने के लिए हैंस एनिमल्स नीड एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड हर एक एनिमल को एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए अपने फूड के लिए नाउ बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ द फूड हैबिट्स एनिमल्स आर कैटेगराइज इन थ्री डिफरेंट टाइप्स हर्बीवोर्स कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स ये तीनों क्या हैं? एक बार इसे समझते हैं हर्बीवोर्स दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स वो सारे जानवर जो सिर्फ घास खाते हैं या दूसरे प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल घोट काओ बफलो एक्सेट्रा कार्निवोर्स दोज एनिमल्स विच ओनली ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स फॉर एग्जाम्पल लायन टाइगर फ्रॉग एक्सेट्रा ये सारे कार्निवोर्स हैं वाई बिकॉज दे ईट अदर एनिमल्स इफ यू टॉक अबाउट दोज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स बेस्ट एग्जाम्पल इज वी द ह्यूमन बींग बियर डॉग्स क्रोज एंट्स एक्सेट्रा चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में यस yes. न्यूट्रिशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स येट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन एनिमल्स हर एक एनिमल के अंदर चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो चाहे वो मल्टी हो चाहे वो कितना ही सिंपल हो चाहे वो कितना ही कॉम्प्लेक्स बॉडी शेप का हो दे डू हैव टू सर्वाइव विद न्यूट्रिशन अब ये न्यूट्रिशन क्या है इसका प्रोसेस क्या है एक बार उसके ऊपर नज़र मानते हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस में पांच अलग अलग स्टेजेस हैं इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्बेशन असिम्यशन एंड इजेशन ये पांचों क्या हैं? एक बार इनके बारे में डिस्कस करते हैं इंजेशन इंजेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी जब हम खाना अंदर लेते हैं अपनी बॉडी के दैट इज नोन एज इंजेशन नाउ वॉट इज डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन दिस कॉम्पलेक्स फॉर्म ऑफ फूड इंटू सिंपल फॉर्म ऑफ फूड अब सिंपल फॉर्म ऑफ फूड क्या है बेसिकली वो फॉर्म जहां ये बॉडी इज़ीली एब्जॉर्ब कर पाए इस फूड को दैट इज नोन एज डाइजेशन एब्जॉर्ब्शन द प्रोसेस ऑफ एबजॉर्बिंग इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन टू द ब्लड स्ट्रीम दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्ब्शन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच एब्सॉर्ब फूड इज टेकन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर जब ये फूड जो कि एब्जॉर्ब हो चुका है हमारे बॉडी सेल्स ले लेती हैं और इसका इस्तेमाल करती हैं एनर्जी के लिए अपने आप को ग्रो करने के लिए या अपने आप को रिपेयर करने के लिए दैट इज नोन एज एसिमिलेशन इजेशन द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम आर बॉडी इज नोन एज इजेशन हर एक ऑर्गेनिज्म ये सारे प्रोसेसेस फॉलो करता है तब जाके न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है एक बार वो देखते हैंल्यूलर ऑर्गेनिज्म द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज परफॉर्म्ड बायल सेल एज इट इज मैं ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने होते हैं तो इसके अंदर सारे प्रोसेसिस इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन आर कैरेड बाय दैट इंडिविजुअल सेल एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम वुड बी अमीबा एंड पैरामिशियम न्यूट्रिशन इन अमीबा सबसे पहले अमीबा के बारे में कुछ जानकारी पाते हैं अमीबा इज अल्यूलर ऑर्गेनिज्मिकलोजोइक मतलब ये अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर लेता है कंप्लीटली एंड देन प्रोसेस इट और एब्सॉर्ब इट द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस बिकॉज इट इज अलर ऑर्गेनिज्म तो सारी फीडिंग उस सेल को की जाती है फेगोसाइटोसिस बेसिकली मींस सेल्फ फीडिंग ऑल द प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल ऑफ अमीबा अमीबा के अंदर ये जो सिंगल सेल है सारे न्यूट्रिशन के प्रोसेसेस ये परफॉर्म करता है फिर चाहे वो इंजेशन हो डाइजेशन हो एब्सॉर्बेशन हो एसिम्युलेशन हो या इजेशन तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की सबसे पहले यूनि ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं देखिए जो यूनि वर्ड है इसको दो शब्दों को मिला के बनाया गया है यूनी मतलब वन एंड सेल्यूलर मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेल्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने होते हैं वो यूनि ऑर्गेनिजम्स होते हैं अब जाहिर सी बात है जब ऐसे ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने हैं तो इनके अंदर सारे फंक्शंस वो एक सेल परफॉर्म करता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल क्या हो सकती है अमीबा एंड पैरामीशियम सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे किया जाता है तो चलिए हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की सबसे पहले समझते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। यूनिसेल्यूलर ये जो वर्ड है ये दो शब्दों को मिला के बना है दैट इज यूनी एंड सेल्यूलर यूनी का मतलब होता है वन एंड सेल्यूलर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक तरीके के सेल्स से बने हुए होते हैं या सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं उन्हें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है दे आर ऑल्सो नोन एज सिंगल सेल्ट ऑर्गेनिजम्स अब ऑब्वियस बात है कि अगर एक ही सेल से ये ऑर्गेनिजम्स बने हैं तो इनके अंदर सारे फंक्शंस वो एक सेल ही परफॉर्म करता है एंड न्यूट्रिशन इज ऑल्सो डन बाय दैट सिंगल सेल अमीबा एंड पैरामीशियम आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स अब इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा सबसे पहले अमीबा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है अब होलोजोइक मतलब क्या कि जो फूड है वो इसके अंदर कंप्लीटली जाता है एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस नाउ व्हाट इज फेगोसाइटोसिस दैट इज सेल्फ फीडिंग यानी कि जब सेल अपना खाना अपने आप को फीड करता है दैट प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस नाउ सिंस इट इज़ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सारे फंक्शंस जो है न्यूट्रिशन के यही परफॉर्म करता है इंजेक्शन डाइजेशन एब्जॉर्ब एसिमिलेशन एंड डिजेशन ऑल ऑफ दीज फंक्शन हैपन इन दिस सिंगल सेल इंजेशन अमीबा के पास कोई फिक्स प्लेस जैसे कि माउथ नहीं अपना खाना टेक इन करने के लिए या इंजेशन करने के लिए दैट्स इट गेट्स इट्स फूड इंजेस्टेड बाय फॉर्मिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड इट कॉल्ड सीडोपोडिया नाउ द फूड वैक्यूल इज इन विद द लिटल सराउंडिंग टू फॉर्म वैक्यूल इन साइड अमीबा अब होता क्या है जैसे ही ये फूड इनगल्फ कर लिया जाता है यानी कि निगल लिया जाता है तो इसके आसपास में एक बाउंड्री एक सराउंडिंग बन जाती है अमीबा एंड द द फूड वैक्यूल इज टू बी ट्री स्टमक ऑफ अमीबा जो अमीबा के अंदर ये जो फूड वैक्यूल बनता है ये उसका स्टमक रहता है खाना इंजेक्शन के प्रोसेस के थ्रू अमीबा के अंदर जा चुका है अब क्या होता है जो फूड वैक्यूल उस मेटीरियल के आसपास में बनता है दैट रिलीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं दे ब्रेक डाउन दैट फूड पार्टिकल सिंपलर सब्सटेंस ऐसा हो जाने के बाद क्या होता है नाउ दैट डाइजेस्टेड फूड दैट इज प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म कैसे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या है मूवमेंट ऑफ मेटीरियल और सब्सटेंसेज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अब ऐसा हो जाने के बाद जैसे ही पूरा फूड जो है वो फूड वैक्योल से चला जाता है एब्जॉर्ब कर लेता है साइटोप्लाज्म फूड डिसअपियर्स फूड का काम खत्म अब फूड वैक्योल गायब हो जाता है तो अब ये एब्जॉर्ब्ड फूड का यानी कि ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिय का अमीबा क्या करता है अमीबा यूटिलाइज दिस एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो इसका इस्तेमाल करता है रेस्पिरेशन के टाइम पे इट मेक्स द फर्दर पार्ट्स ऑफ अमीबा सेल विच लीड्स टू ग्रोथ ऑफ अमीबा अमीबा डू रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इट्सल्फ तो ये डिवीजन के टाइम पे काम आता है नाउ इजेशन अमीबा डज नॉट हैव एनी प्लेस टू रिमूव इट्स वेस्ट है ना उसके लिए फूड इनटेक के लिए कोई फिक्स प्लेस है ना फूड वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए फिक्स प्लेस है अब क्या करता है अमीबा अपने सेल मेम्बरेन को किसी एक जगह से ओपन करता है दैट लीड्स टू थ्रोइंग आउट ऑफ अनडेस्टेड फूड यहां से वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर चला जाता है दिस इज द कम्प्लीट प्रोसेस फूड एंटर्स इन टू अमीबा बाय इंजेक्शन एंड अमीबा डाइजेस्ट बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल आफ्टर इट द फूड इज ऑब्जर्ब बाय साइटोप्लाज्म वैक्यूअल डिसअपियर्स एंड एट द एंड इजेशन वेन फूड वेस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमीबा न्यूट्रिशन ऑफ पैरामिशियम पैरामीशियम क्या है पैरामिशियम इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के उसके आसपास में चारों तरफ इट हैज हेयर लाइफ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सीलिया सीलिया इवेंचुअली हेल्प इट आउट टू गेट फूड कैसे सीलिया स्वीप द फूड फ्रॉम वॉटर एंड पोर्टेट इन द माउथ ऑफ पैरामिशियम इतना हो जाने के बाद ये सारा प्रोसेस यानी कि इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्बन बिल्कुल अमीबा की तरह होता है जस्ट द सेम वे इट वॉज डन इन अमीबा अब हमने बात कर चुके हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन की अब हम बात करने वाले हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर जम्स विच आर मेड अप ऑफ ऑफ डिफरेंट टाइप्स सेल्स जो अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बनते हैं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स ग्रास होपर फिश एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट प्लांट्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन कुछ इस तरीके से होता है बाय डिफरेंट डायजेस्टिव ऑर्गन यस They are combined with different digestive organs that perform different digestive functions for that multicellular organism. Now, in combination of digestive organs, ko kya bola jata hai? digestive system? Bola jata hai. Now, let's talk about nutrition in human beings or human digestive system. Nutrition in human beings. Nutrition in humans takes place through human digestive system. अब ह्यूमन इट इज ऑफ ह्यूमन बींग्स के अंदर जितने भी सारे है, उनका है. अब कौन, कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन है हमारे अंदर माउथ ईसोस दैट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन अब ये जो प्रोसेस है ये कैसे कैरी आउट होता है एक बार इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहला प्रोसेस है इंजेशन इंजेशन करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन है वी कॉल इट माउथ द फूड इज पुट इन टू द माउथ विद आर हैंड्स डाइजेशन नाउ डाइजेशन क्या है इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इंटू सिंपलर फूड नाउ हाउ इट इज डन लेट्स डाइजेशन स्टार्ट एज सुन एज फूड एंटर जैसे ही खाना हमारे अंदर हमारे माउथ के थ्रू एंटर करता है डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ के अंदर तीन चीजें हैं टीथ टंग एंड ये तीनों चीजें कुल मिला के क्या बनती है हमारी बकल कैविटी बनती है इसे हम फूड कैविटी भी बोलते हैं अब ये बकल डाइजेशन में सबसे पहला रोल होता है टीथ का टीथ कट द फूड इन टू स्मॉल पीसेस बाय च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग इट टीथ क्या करते हैं हमारे खाने को छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं या डिवाइड कर देते हैं बाय च्यूइंग एंड बाई ग्राइंडिंग दिस इज नोन एज फिजिकल डाइजेशन ना वट रोल डज टंग प्ले टंग हेल्प इन मिक्सिंग अप द फूड विथ सेलाइवा टंग जो है वो फूड को सेलाइवा से मिक्स करने का काम करता है सेलाइवा से ग्लैंड क्या होते हैं सेलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस से विच वेट्स द फूड दैट वी इट सो दैट इट कुड बी स्वेलोड इजिली सेलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं सेलाइवा एक तरीके का लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं जो कि खाने को इजीली स्वेलो कर पाने के लिए निगलने के लिए हमें आसान बनाता है दिस इज़ ऐसा क्या होता है ह्यूमन सेलाइवा एंजाइम्स दैट आर नोन एज सेलाइवरी अमाइलेस सेलाइवरी अमाइलेस क्या करता है ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट है अब ये जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें सिंपलर फॉर्म यानी कि शुगर मॉलिक्यूल्स में बदल दिया जाता है बाय एंजाइम्स आर अब हम बात करते हैं हमारे अगले ऑर्गन की फूड पाइप खाना हमारे मुंह से होते हुए हमारे माउथ से होते हुए फूड पाइप के अंदर जाता है फूड इज स्वेलोड बाय द टंग एंड मूव टू स्टमक थ्रू फूड पाइप तो बेसिकली फूड पाइप क्या है इट इज अ कनेक्शन बिटवीन आर माउथ एंड आर स्टमक द वॉल्स ऑफ फूड पाइप हैव मसल विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड जो वॉल है जो फूड पाइप की उसके जो मसल्स हैं उनकी एबिलिटी होती है कि दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एंड दे कैन एक्सपेंड एज वेल नाओ इस तरीके के मूवमेंट को यानी वेन द फूड एंटर्स इन दिसोफेगस इट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट वेन इट हैपन साइमल्टेनियसली अब ये जो फूड पार्टिकल्स हैं ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में एंटर कर जाते हैं वॉट इज स्टमक स्टमक इज शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एबडोम हमारे अब के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट एक जे शेप्ड ऑर्गन है हमारा स्टमक अब स्टमक का क्या रोल है डाइजेस्ट में ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है यानी कि माउथ के अंदर ये फूड पार्शियली डाइजेस्ट हुआ होता है फिर वो ईसो के थ्रू मूव करके स्टमक में जाता है ताकि वो कंप्लीटली पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए ये कैसे किया जाता है द फूड ब्रेक्स डाउन इन टू स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर ऑलमोस्ट थ्री फूड को और छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और एक सेमी सॉलिड पेस्ट जैसा तैयार कर दिया जाता है दिस प्रोसेस टेक्स थ्री स्टमक के वॉल के ऊपर ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं नाउ वॉट आर दीज गैस्ट्रिक जूसेस लेट्स फाइंड आउट नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैस्ट्रिक जूसेस वट आर गैस्ट्रिक जूसेस गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस आर लिक्विड्स सेक्रेटेड फ्रॉम ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक हमारे स्टमक की जो वॉल है उसके ऊपर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और उन ग्लैंड्स के अंदर से ये लिक्विड सेक्रेट होते हैं दैट आर नोन एज गैस्ट्रिक जूसेस नाउ गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन थ्री डिफरेंट सब्सटेंसेज इनके अंदर तीन अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड दूसरा पेप्सिन एंड तीसरा म्यूकस अब ये तीनों चीजें क्या हैं और इनका क्या रोल है हमारे स्टमक के अंदर वो देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक मेक्स मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस एसिडिक हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेकरेट होता है जो कि इन गैस्ट्रिक जूसेस को एसिडिक बनाता है अब इस एसिड का क्या रोल है इट ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन्स को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने में मदद करता है और पेप्सिन तभी एक्टिवेट होता है जबकि उसे एक एसिडिक मीडियम मिले यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इट किल्स बैक्टीरिया दैट मे एंटर आर फूड जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर हो सकता है कभी ना कभी कोई बैक्टीरियाज हो वो बैक्टीरियाज को मारने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है अब हम बात करते हैं पेप्सिन की पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम विच कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन आर फूड इनटू सिंपल प्रोटीन पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ओनली टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम्स, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस है जो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने का जो प्रोसेस पेप्सिन करता है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम्स में कैरी आउट होता है दैट इज वाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज इट्स इंपॉर्टेंस अब सवाल यह है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर एक एसिड है हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड है तो क्या इसके चांसेस नहीं है कि वो हमारा खुद का स्टमक ही खराब कर दे? यस yes. अब इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है म्यूकस हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो म्यूकस है वो हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर म्यूकस सेक्रेट नहीं होता है तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को डैमेज कर सकता है दैट में लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्सर अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के अंदर काफी हद तक फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है लेकिन अभी भी कुछ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट नहीं हुए नाउ दैट पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है इट इज अबाउट 6.5 पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग इन एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का इंपॉर्टेंस ऐसे भी है क्योंकि ये वो जगह है जहां पे पूरी तरीके से चीजें डाइजेस्ट होती हैं इट इज द प्लेस इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिय हमें मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो एक्चुअली हमें कहां से मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से बिकॉज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक प्लेस हेयर कैसे आइए देखते हैं नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड दो ऐसे ग्लैंड है जहां से एक लिक्विड सेक्रेट होके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है दे आर लिवर एंड सेक्रेट बाइल इज ग्रीनिश येलो लिक्विड दैट इज मेड इन लिवर बट स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर ये एक ऐसा लिक्विड है जो बनता तो लिवर के अंदर है लेकिन इसे स्टोर कहां किया जाता है इसे गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है नाउ बाइल हैज सॉल्ट इट कंटेन सॉल्ट विच हेल्प इट टू ब्रेक डाउन द फैट्स और लिपिड्स दैट आर प्रेजेंट इन आर फूड हमारे खाने में जो भी फैट्स हैं उन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल का इस्तेमाल किया जाता है इफ वी टॉक अबाउट पेनक्रियाज पेनक्रियाज सेक्रेट पेनक्रिएटिक जूसेस विच कंटेन डाइजेस्टिव इंजाइम लाइक अमाइलिस ट्रिप्सिन एंड लाइपेस पेनक्रियाज के अंदर ये तीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इन तीनों का अपना एक अलग फंक्शन है एंड लाइपेस एमलिफाइड फैट को यानी कि, कि अभी भी जो फैट डाइजेस्ट होने में रह जाता है उसे लाइपेस जो है वो इमल्सिफाई करता है या ब्रेक डाउन करता है इतना ही नहीं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से भी कुछ लिक्विड्स कुछ जूसेस जो हैं वो सेक्रेट होते हैं दे आर नोन एज इंटेस्टाइनल जूसेस नाउ इंटेस्टाइनल जूसेस कंटेन्स एंजाइम्स विच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को इंटेस्टाइनल जूसेस ग्लूकोज में बदलते हैं प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में एंड फैट्स को फैटी एसिड्स में इसी के साथ हमारा डाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म होता है अब बात आती है एबजॉर्बशन की डाइजेशन के अंदर हमने वो सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने पास रख लिया है जिन जिनकी हमें ज़रूरत है अब इन न्यूट्रिएंट्स को इस फूड को एब्ज़ॉर्ब कैसे किया जाए उसके बारे में बात करते हैं आफ्टर डाइजेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूट्रियट्स गो इन टू द ब्लड फ्रॉम कैपेलरीज हमारे इंटेस्टाइन के वॉल्स के ऊपर कैपिलरीज मौजूद होती हैं जो कि एब्जॉर्बशन का काम करती हैं दीज कैपिलरीज एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसफर देम इनटू ब्लड इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली विली नाम से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि खाने को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं अब ये ब्लड वेसल्स में या कैपिलरीज में ये खाना पहुंचाने का काम हमारे लिए विली ही करती है डाइजेस्टेड फूड विच इज एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इन टू आर ब्लड अब ये एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिय को एसिमिलेट कैसे करना है हमारे बॉडी के यूज में कैसे लाना है उसके बारे में बात करते हैं ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल द दार्ट ऑफ बॉडी वेयर इट बिकम्स एसिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ सेल्स हमारा जो ब्लड है वो इन न्यूट्रिएंट्स का कैरियर का, का काम करता है वो इन न्यूट्रिएंट्स को हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उन तक पहुंचाता है अब ये सेल्स इन इनको यूटिलाइज करती हैं फॉर ऑप्टेनिंग एनर्जी फॉर ग्रोथ ऑफ आर बॉडी एंड टू रिपेयर ऑफ आर बॉडी इफ नीडिड एसिम्युलेटेड फूड इज यूज बाय बॉडी सेल्स फॉर ऑप्टेनिंग एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी नाउ एनर्जी रिलीज इज रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमुलेटेड फूड असीम्युलेटेड फूड के अंदर ऑक्सीजन एड करके इस प्रोसेस को पूरा किया जाता है अब ये ऑक्सीजन कैसे ऐड होती है येस बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन नाउ अगला ऑर्गन हमारे बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से फूड जो है वो एब्सॉर्ब हो जाता है तो जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहां जाता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट प्रोसेस ऑफ आर न्यूट्रिशन दैट इज इजेशन अब ये कैसे होता है पार्ट ऑफ फूड विच नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अ स्मॉल इंटेस्टाइन मूव इन टू लार्ज इंटेस्टाइन वो हिस्सा हमारे फूड का जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है नाउ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वॉटर प्रेजेंट इन इट विद हेल्प ऑफ विली जो विली है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उससे मोस्ट ऑफ द वॉटर इज एब्सॉर्ब्ड एंड जो अनवॉन्टेड या अनडाइजेस्टेड फूड है दैट रिमेन इन द सॉलिड फॉर्म विच इज स्टोर्ड इन रेक्टम अब रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोर होता है Now this food stores for some time and after that it's dumped out. This process of dumping out unwanted, yeah, undigested food is known as ejection.